फ्रेंड्स, और मैं हूं मुकेश और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर टेनिस डॉट क्रिकेट खजरा हो। और आज हम आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी हम टेनिस क्रिकेट में बैट स्विंग जो है उसको तेज कैसे करें। अगर हम अपनी बैट स्विंग तेज करना चाहते हैं, अगर आप एक टेनिस प्लेयर हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बैट स्विंग जो है काफी तेज होनी चाहिए। क्योंकि लेदर क्रिकेट में तो क्या होता है, अगर आपकी बैट स्विंग स्लो भी है तब भी आप आसानी से खेल सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइमिंग का खेल होता है, आपको अच्छे से गेंद को टाइम करना होता है। लेकिन टेनिस क्रिकेट में अमूमन आपने देखा होगा कि हमारी बैट स्विंग काफ़ी तेज होनी चाहिए, और पावर हिटिंग के लिए जो हम खेलते हैं उसके लिए निश्चित रूप से हमारी जो बैट स्पीड है वो काफ़ी तेज होनी चाहिए। क्योंकि जैसे नई बॉल रहती है तो उसको अगर आपको हिट करना है या लास्ट में जब आप खेलते हैं तो उसके लिए आपकी बैट स्विंग बहुत ही तेज होनी चाहिए, जिसके लिए मैं बताता हूं कि आप अपनी बैट स्विंग को कैसे तेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी बैट स्विंग को आपको अगर तेज करना है तो आपके पास जो बैट है, अमूमन जो बैट होती है वो 1 kg से 130 grams के बीच होती है। तो अगर आपके पास कोई थोड़ी सी वेटेड बैट रखी है घर पे या किसी फ्रेंड के पास है तो आप उसको ले सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर पे बैठ के उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है बैट को तेज चलाने के लिए। जैसे ही आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित रूप से, अगर आप दिन में 50 या 100 बार बस खाली बैट इस तरीके से चलाते हैं तो आपकी बैट स्विंग निश्चित रूप से आपकी बैट स्विंग इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद एक और तरीका होता है, अगर आप अपनी बैट स्विंग को तेज करना चाहते हैं उस तरीके से मैं आप क्या कर सकते हैं कि अमूमन आप एक की जगह दो बैट यूज करिए और दो बैट को साथ में लीजिए और उसको चलाइए। आपको वेट फील करेंगे और आप सिर्फ इतना आपको चलाना है। अगर आप इस तरीके से चलाते रहेंगे तो भी आपकी बैट स्विंग इम्प्रूव हो सकती है और काफ़ी तेज हो जाएगी। इसके बाद एक और तरीका होता है कि आप अपनी बैट स्विंग को कैसे तेज करें, उस तरीके में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक सिंपल आप लकड़ी ले सकते हैं जो कि लाइट वेटेड हो, या एक स्टम्प्स को आप यूज कर सकते हैं, और आपको उसको भी क्या करना है, सिर्फ ये खाली चलाना है। ये जिस आप इस तरीके से अगर चलाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बैट स्विंग बहुत ही तेज हो जाएगी और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा टेनिस क्रिकेट में। क्योंकि बैट स्विंग इम्प्रूव होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि जब तेज गति के गेंदबाज आते हैं तो जब आप खेलते हैं तो आप प्रॉपर शॉट्स नहीं खेल पाते हैं, इसलिए आपको जो आपकी बैट स्पीड है वह निश्चित रूप से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर